सिंप्लेक्स मेथड के सेवंथ वीडियो में आपका स्वागत है। मैं इस वीडियो में बताऊंगा डिजेनरेसी प्रॉब्लम के बारे में, बताऊंगा कि क्या होता है सिंप्लेक्स मेथड में डिजेनरेसी प्रॉब्लम और ऐसे प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं। इस वीडियो के पहले मैं 6 वीडियो सिंप्लेक्स मेथड पर अपलोड कर चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से उसको देख सकते हैं या आप ऊपर आ रहे आई बटन को भी प्रेस करके सिंप्लेक्स मेथड के प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि यदि आप सिंप्लेक्स मेथड के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं तो मेरा वो 6 वीडियोज एक एक करके आप देखिए और उस वीडियोज के बाद इसको आप देखते हैं, तभी ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। लेकिन आप यदि सिंप्लेक्स मेथड के बारे में पहले से कुछ जानते हैं तो इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सुनील कुमार, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एमए क्लासेज। मैं इस चैनल पर हायर मैथमेटिक्स का ही वीडियो लेकर के आता हूँ। आप यदि हायर मैथमेटिक्स अच्छे तरीके से सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को भी ऑन कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आपको मिलते रहे। और एक और बड़ी बात है कि आपको यदि वीडियो पसंद आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें ज़रूर और अपना फीडबैक ज़रूर दें और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें वीडियो को और लाइक भी करें। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले ये देखते हैं कि डिजेनरेसी प्रॉब्लम क्या होता है। आपको जो फर्स्ट वीडियो में मैं बताया था बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, वहाँ पर बताया था कि जो बेसिक वेरिएबल होता है, बेसिक वेरिएबल में से अगर कोई भी एक वेरिएबल बेसिक वेरिएबल का वैल्यू अगर जीरो हो जाए तो वैसे बेसिक वेरिएबल को हम लोग कहते हैं, बेसिक वेरिएबल का जो सॉल्यूशन आता है उसको हम लोग कहते हैं डिजेनरेट बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। तो यहाँ पर वही बात होता है। अब कैसे होता है इसको हम लोग समझें कि एट द स्टेज ऑफ इम्प्रूविंग द सॉल्यूशन ड्यूरिंग द सिंप्लेक्स प्रोसीड्यूर, जब हम लोग सिंप्लेक्स मेथड का यूज करते हैं तो वहाँ कई टेबल बनाते हैं। वहाँ पर आपको पता होगा कि अगर वो ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं होता है तो उसको इम्प्रूव करके हम लोग ऑप्टिमल सॉल्यूशन बनाते हैं। तो जब हम लोग सिंप्लेक्स प्रोसीड्यूर में किसी भी स्टेज में मिनिमम रेशियो भी निकालते हैं, आपको लास्ट कॉलम में पता होगा कि मिनिमम रेशियो निकालते हैं अगर वो ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं होता है, तो मिनिमम रेशियो एक्स बी डिवाइडेड बाई एक्स के का निकालते हैं, जहाँ एक्स के जो होता है वो इनकमिंग वेक्टर होता है, ये एक्स के जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए, जीरो के बराबर भी नहीं होना चाहिए। तो इज डिटरमाइंड इन द लास्ट कॉलम में निकालते हैं ऑफ सिंप्लेक्स टेबल टू फाइंड द की रो पता करने के लिए ये काम करते हैं। बट समटाइम्स दिस रेशियो मे नॉट बी यूनिक, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसा होगा कि ये जो रेशियो निकालते हैं मिनिमम रेशियो वो यूनिक नहीं होता है, यानी कि दो रेशियो टाई कर जाता है, दो या दो से अधिक रेशियो। तो इन दिस केस इफ वी कंस्ट्रक्ट नेक्स्ट सिंप्लेक्स टेबल, अगर उस रेशियो टाई हो गया तो उसमें से अगर किसी एक को भी अगर हम लोग की रो मान लें और उसके बाद अगर हम लोग सिंप्लेक्स टेबल को आगे फिर बनाते हैं तो देन द वैल्यू ऑफ द वन और मोर बेसिक वेरिएबल इन द एक्स बी कॉलम, तो उसके बाद एक या एक से अधिक बेसिक वेरिएबल जो एक्स बी कॉलम में आएगा उसमें से एक या एक से अधिक बेसिक वेरिएबल का जो वैल्यू है बिकम इक्वल टू जीरो, वो जीरो के बराबर हो जाएगा, यानी कि बेसिक वेरिएबल का वैल्यू जीरो हो जाएगा। दिस काउजेज द प्रोसीड्यूर प्रॉब्लम ऑफ डिजेनरेसी, ये जो है यही कारण से डिजेनरेसी प्रॉब्लम एराइज होता है, ये डिजेनरेट बेसिक फिजिबल सोल्यूशन हो जाता है। कैसे होता है जरा आप इसको एक एग्जाम्पल से समझिए, ये जो मैं बता रहा था पूरा क्लियर हो जाएगा इस एग्जाम्पल से। जैसे सपोज कीजिए, ये मान लीजिए सिंप्लेक्स टेबल हम लोग बना रहे हैं, किसी स्टेज में यहाँ तक पहुँचे हैं और मान लीजिए ये बेसिक वेरिएबल है एक्स थ्री एक्स फोर, ये सी बी है जो बेसिक वेरिएबल का कोएफिशिएंट होता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन में, वो कोएफिशिएंट है, और ये एक्स बी है, एक्स बी का वैल्यू 8 और 4 है, मतलब बेसिक वेरिएबल का वैल्यू 8 है एक्स थ्री का और एक्स फोर का वैल्यू 4 है, और ये एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एक्स फोर ये जो है वो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो डेल्टा जे निकला है, सपोज कीजिए ये डेल्टा जे है, ये मैं एक एग्जाम्पल से उठाया हूँ इसको, आप इसको समझिए। तो आपको पता है कि एक मोस्ट नेगेटिव हो जाए, अगर मतलब ये डेल्टा जो है वो नेगेटिव आ जाए तो ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं होता है। तो यहाँ पर दो वैल्यू जो है वो डेल्टा का नेगेटिव आ रहा है, इसलिए ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं होगा। तो ऐसे केस में जो मोस्ट नेगेटिव होता है वो इनकमिंग वेक्टर होता है, और फिर हम लोग उसके बाद मिनिमम रेशियो निकालते हैं, किसका निकालते हैं, इन एक्स बी का निकालते हैं और जो इनकमिंग वेक्टर है उसका, तो एक्स बी डिवाइडेड बाई एक्स टू का निकालेंगे। तो क्या हो रहा है, एक्स बी और एक्स टू का मिनिमम रेशियो निकाल रहे हैं, तो 8 डिवाइडेड बाई 4 ये 2 आ रहा है, यहाँ पर 4 डिवाइडेड बाई 2 तो मिनिमम रेशियो हो जाएगा, एक्स बी में एक्स टू से डिवाइड कर रहे हैं उसमें भी ये पॉजिटिव होना चाहिए, तो 4 डिवाइडेड बाई 2 ये भी 2 आ रहा है। तो आप देख रहे हैं कि ये जो रेशियो है मिनिमम रेशियो वो टाई हो गया, दोनों सेम हो गया। तो यही केस जो होता है ये डिजेनरेसी का होता है।
अगर ये टाई हो गया तो अब इसमें से की एलिमेंट कौन सा हम लोग लेंगे, की रो कौन सा लेंगे। अब इस दोनों में से कोई भी अगर आप ले लेते हैं, मान लीजिए आप सेकेंड वाला को ही मान लीजिए, सेकेंड वाला को आप की रो मान लेते हैं और की रो इसको मान लीजिए, तो आप यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो x4 जो है वो आउटगोइंग वेक्टर अगर आप कर देते हैं, इसको आउटगोइंग कर देते हैं, उसके बाद फिर हम लोग जब नेक्स्ट टेबल कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो सपोज कीजिए ये आउटगोइंग कर दिए और ये इनकमिंग कर दिए, तो यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 1 लाने के लिए इसमें हम लोग 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ पर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 हो जाएगा, यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, और यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो 1, यहाँ पर 2 से डिवाइड करेंगे 0, और यहाँ पर 2 से डिवाइड करेंगे 1/2। अब इसको लाना है 0, क्योंकि ये आउट गोइंग है, तो ये जो 0 1 है यहाँ पर भी 0 1 लाना है, तो 1 तो यहाँ तो ला चुके हैं, अब इसको 0 लाने के लिए क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करते हैं और इसमें सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे, 4 2 8 हो गया, और 8 में सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 आ जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये -1 आ जाएगा, 2 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं यहाँ पर, तो 1 -2 -1 हो गया, और यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 4 से मल्टीप्लाई करके यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, 4 से मल्टीप्लाई करके यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे 1, 4 से मल्टीप्लाई करके यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -2 हो जाएगा, और बेसिक वेरिएबल अब क्या हो जाएगा, बेसिक वेरिएबल x4 हट जाएगा और x4 के बदले x2 आएगा, तो यहाँ पर हो गया ये x3 ही रह जाएगा और x4 के बदले जो है वो x2 आएगा, तो ये बेसिक वेरिएबल का वैल्यू हो गया। आप देख रहे हैं यहाँ पर बेसिक वेरिएबल का वैल्यू क्या हो गया, एक बेसिक वेरिएबल का वैल्यू 0 आ गया, तो यही डिजेनरेट बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन हो गया, यही डिजेनरेसी का कारण हो गया कि अगर बेसिक वेरिएबल में से किसी भी एक बेसिक वेरिएबल का वैल्यू 0 हो जाए तो उसको हम लोग कहते हैं बेसिक डिजेनरेट बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, तो ये डिजेनरेट बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ये सिंप्लेक्स मेथड में हम लोग काम नहीं करेंगे, डिजेनरेसी को यहाँ पर हटाना पड़ेगा। तो अब हटाने का क्या तरीका है, रिमूव करना पड़ेगा डिजेनरेसी को, तो ये हटाने का जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है वही यहाँ पर सीखेंगे। तो मैं एक सवाल लेता हूँ और उस सवाल से समझाता हूँ कि कैसे डिजेनरेसी प्रॉब्लम को के सिंप्लेक्स मेथड में जो डिजेनरेसी प्रॉब्लम वाला से सवाल होता है उसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए एक सवाल से देखते हैं हम लोग इसको। अब हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं कि सॉल्व बाय सिंप्लेक्स मेथड, इसको सॉल्व करना है, एक LPP हम लोग लिए हुए हैं, इसको सॉल्व करना है, तो क्या है, मैक्सिमाइज करना है जेड को, जेड इक्वल टू 2x1 + x2 है और ये कुछ कंस्टेंट दिया हुआ है x1 x2 > 0, नॉन नेगेटिविटी रिस्ट्रिक्शंस। तो सबसे पहले जब हम लोग सिंप्लेक्स मेथड का यूज करते हैं तो सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड सिंप्लेक्स फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो स्टैंडर्ड सिंप्लेक्स फॉर्म में क्या होता है कि ये मैक्सिमाइजेशन का सवाल होना चाहिए जो ऑलरेडी है, फिर दूसरा काम देखते हैं कि ये b जितना भी है वो सभी पॉजिटिव होना चाहिए, नॉन नेगेटिव होना चाहिए, तो b जो है वो यहाँ पर नॉन नेगेटिव है, आप देख रहे हैं कि सभी जो है वो पॉजिटिव है, तो ये दो काम तो करने की ज़रूरत नहीं होता, अगर वो मिनिमाइजेशन का सवाल होता है तो उसको मैक्सिमाइजेशन में कन्वर्ट करते हैं, b अगर कोई नेगेटिव होता है तो उसको हम लोग पॉजिटिव में बदल देते हैं, लेकिन यहाँ तो खर्च करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि ऑलरेडी मैक्सिमाइजेशन का सवाल है, b सभी पॉजिटिव है। तो उसके बाद थर्ड वर्क करते हैं क्या कि इसको इक्वलिटीज में बदलते हैं, जितना भी कंस्टेंट है उसको इक्वलिटीज में बदलते हैं, अगर लेस देन रहता है तो स्लैक वेरिएबल, ग्रेटर देन इक्वल टू रहता है तो सरप्लस वेरिएबल और आर्टिफिशियल वेरिएबल को ऐड करते हैं, तो यहाँ पर हम लोग लेस देन इक्वल टू है तो स्लैक वेरिएबल को इंट्रोड्यूस करेंगे, तो ये 3 कॉन्स्टेंट है तो 3 स्लैक वेरिएबल हो जाएगा, इसके लिए और इसके लिए, तो इंट्रोड्यूसिंग स्लैक वेरिएबल्स x3, ये जो स्लैक वेरिएबल्स होता है नॉन नेगेटिव होता है, तो x3 > 0, x4 > 0, x5 > 0, x1 x2 तो ऑलरेडी है यहाँ पर, तो x3 x4 और x5 स्लैक वेरिएबल हम लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो कॉन्स्टेंट क्या हो जाएगा जरा देखिए कि 4x1 + 3x2 यहाँ पर हम लोग स्लैक वेरिएबल ऐड करेंगे x3 = 12, और दूसरा जो कांस्टेंट है 4x1 + x2 यहाँ पर स्लैक वेरिएबल x4 इंट्रोड्यूस करेंगे, x4 ऐड करेंगे तो ये इक्वलिटीज में कन्वर्ट हो जाता है 8, और यहाँ पर 4x1 - x2 यहाँ पर स्लैक वेरिएबल x5 इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और = 8 हो जाएगा ये, तो इक्वलिटी में बदल गया, ये जितना भी कांस्टेंट था इक्वलिटीज में आ गया, तो x3 x4 और x5 ये जो है वो स्लैक वेरिएबल इंट्रोड्यूस किए। अब हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकालेंगे, तो बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन के लिए क्या करते हैं कि जो अभी हम लोग स्लैक वेरिएबल इंट्रोड्यूस किए हैं उसको छोड़ करके जो ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको हम लोग पुट करते हैं, x1 जो है x1 को भी 0 पुट करेंगे और x2 को भी 0 पुट करेंगे, तो वी गेट हम लोग को क्या मिल जाएगा, तो x1 और x2 दोनों को 0 पुट कर देंगे तो x3 का वैल्यू हो जाएगा 12,
तो एक्स थ्री इक्वल टू 12 हो गया, और यहाँ एक्स वन एक्स टू 0 पुट करेंगे तो एक्स फोर का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा 8, और यहाँ थर्ड इक्वेशन में एक्स वन और एक्स टू का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो यहाँ से एक्स फाइव का वैल्यू भी आ जाएगा 8। तो ये जो सॉल्यूशन निकला ये बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन हो गया, दिस इज बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन या इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, ये इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन आ गया, स्टार्टिंग बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन हो गया। अब ये फिजिबल सॉल्यूशन जो है इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, तो ये फिजिबल सॉल्यूशन जो है वो ऑप्टिमल है या नहीं इसको हम लोग चेक करते हैं। तो इसको चेक करने के लिए हम लोग एक सिंप्लेक्स टेबल बनाते हैं, फर्स्ट टेबल बनाते हैं, तो चलिए उस टेबल को हम लोग देखते हैं। तो ये हम लोग सिंप्लेक्स टेबल बना रहे हैं, स्टार्टिंग सिंप्लेक्स टेबल हो गया। तो बेसिक वेरिएबल यहाँ पर लिखेंगे, बेसिक वेरिएबल कौन कौन सा है, आप जिसको जीरो पुट कर दिए हैं वो नॉन बेसिक होता है, और ये जो वैल्यू निकला है वो बेसिक वेरिएबल है। तो एक्स थ्री जो है वो बेसिक वेरिएबल हो गया, एक्स फोर जो है और एक्स फाइव, ये जो तीन वेरिएबल है वो बेसिक वेरिएबल हो गया। और यहाँ पर लिखते हैं बेसिक वेरिएबल का वैल्यू, तो एक्स थ्री का वैल्यू निकला है 12, एक्स फोर का 8 और एक्स फाइव का 8। तो यहाँ पर एक्स थ्री का 12 हो गया, एक्स फोर का 8 है और एक्स फाइव का भी 8 है। यहाँ पर ऊपर में लिखते हैं सी जे मीन्स ऑब्जेक्टिव फंक्शन में जो कोएफिशिएंट है, तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन आप देख रहे हैं ये है, मैक्सिमाइज करना है जेड इक्वल टू 2x1 प्लस x2। तो x1 का कोएफिशिएंट 2x2 का 1 है, और x3 x4 x5 वगैरह नहीं है तो उसका कोएफिशिएंट 0 होगा। आप 0x3 प्लस 0x4 प्लस 0x5 भी लिख सकते हैं इसको 0x5। तो ये x1 का कोएफिशिएंट और x2 का यहाँ पर 2 और 1 है, और x3 x4 नहीं था तो उसका कोएफिशिएंट हो जाएगा 0। इसको आप कोएफिशिएंट 0 करके यहाँ पर लिख भी सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पर x3 का कोएफिशिएंट लिखते हैं, सी बी मतलब हो गया ऑब्जेक्टिव फंक्शन में कोएफिशिएंट, तो x3 का कोएफिशिएंट कितना है 0 है, x4 का भी 0 है और x5 का भी 0 है। यहाँ पर हम लोग लिखते हैं x1 x2 x3 x4 x5 ये कॉलम बना रहे हैं, तो ये जो यहाँ पर आ रहा है कॉन्स्टेंट, तो इसी कॉन्स्टेंट का कोएफिशिएंट लिखते हैं। जैसे फर्स्ट इक्वेशन का पहले लिखिए, तो फर्स्ट इक्वेशन में है x1 का कोएफिशिएंट है 4 फर्स्ट का, और फिर है 3, फिर नेक्स्ट है 1। आप देख पा रहे हैं कि x1 का 4, x2 का 3, x3 का 1 और x4 का नहीं, x5 का नहीं है, मतलब उसका कोएफिशिएंट यहाँ पर 0 हो जाएगा। x4 का कोई टर्म ही नहीं है तो x4 का कोएफिशिएंट 0, x5 का भी 0 हो जाएगा। इसी तरीके से आप सेकेंड से हम लोग कोएफिशिएंट लिख जाते हैं, यहाँ पर 4 आएगा, ये 1 होगा, ये x3 का नहीं है, आप देख रहे हैं कि x3 का नहीं, x2 के बाद सीधे x4 है, तो x3 का 0 हो जाएगा और x4 का 1 है और x5 भी नहीं है। और फोर्थ इक्वेशन में x1 का 4, x2 का -1, ये 4 है और ये -1 है, और x3 x4 का टर्म नहीं है, सीधे x5 है, तो x3 का 0 हो जाएगा, x4 का भी 0 और x5 का 1 हो जाएगा। तो आप जरा देखिए ये एक यूनिट मैट्रिक्स बन रहा है, यहाँ पर आप देख रहे हैं 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये यूनिट मैट्रिक्स बन रहा है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन रहा है, इसको हम लोग बेसिस मैट्रिक्स कहते हैं। और यहाँ जो कॉलम है बेसिस मैट्रिक्स का, फर्स्ट कॉलम जो है वो x3 वाला है, तो x3 बेसिक वेरिएबल हो जाएगा, नेक्स्ट हो जाएगा x4 और उसके आगे x5, तो x3 x4 x5 ही बेसिक वेरिएबल होगा जो हम लोग यहाँ पर लिखे हुए हैं। बेसिस मैट्रिक्स में जो वेरिएबल इन्वॉल्व होता है वही बेसिक वेरिएबल होता है, ये बेसिस मैट्रिक्स कहलाता है। अब हम लोग क्या करते हैं, तो एक बेसिक सॉल्यूशन हम लोग तो निकाल चुके हैं, इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। अब हम लोग चेक कर रहे हैं कि ये जो सॉल्यूशन है वो ऑप्टिमल है या नहीं। हम लोग को मेन यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है कि जेड को मैक्सिमाइज करना है, तो ये जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसमें से जेड को मैक्सिमाइज करना है, तो जेड का ये मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा या नहीं इस सॉल्यूशन से उसको चेक करते हैं। तो उसके लिए ही हम लोग ये टेबल बना रहे हैं। तो अब ये कैसे पता करते हैं कि ये जो सॉल्यूशन निकला है वो ऑप्टिमल है या नहीं, इसके लिए हम लोग डेल्टा जे निकालते हैं। तो डेल्टा जे होता क्या है, तो डेल्टा जे जैसे आप डेल्टा वन इस कॉलम के लिए जो डेल्टा निकलेगा वो डेल्टा वन सेकेंड कॉलम के लिए, डेल्टा टू, डेल्टा थ्री, डेल्टा फोर, ये इस तरीके से होता है। तो डेल्टा वन निकालने का तरीका होता है कि सी बी इंटू एक्स वन माइनस सी वन, सी बी को एक्स वन से मल्टीप्लाई करेंगे, सी वन सब्ट्रैक्ट करेंगे। देखिए सी बी को एक्स वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 × 4 प्लस फिर 0 × 4 मल्टीप्लाई करके इसको ऐड कर देना, फिर 0 × 4 और इसमें सब्ट्रैक्ट क्या करना है प्लस 0 × 4 और इसको सब्ट्रैक्ट क्या करना है माइनस सी वन, सी वन क्या हो गया ये वाला जो है वो सी वन है, तो यहाँ पर -2।
यानी इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके ऐड कर रहे हैं और इसमें ये वाला सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ये आप देखेंगे जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो हो जाएगा, यहाँ भी ये जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा और माइनस टू आने की ये माइनस टू हो गया, तो यहाँ पर ये माइनस टू हो जाएगा। इसी तरीके से आप इसका निकालेंगे तो ये माइनस वन आ जाएगा। और ये यूनिट मैट्रिक्स है, तो यूनिट मैट्रिक्स का जो फर्स्ट कॉलम है उसको हम लोग बीटा वन से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको बीटा टू से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको बीटा थ्री से। तो ये आपको निकालने की ज़रूरत नहीं, आप इसी तरीके से निकाल करके चेक भी कर सकते हैं, लेकिन यूनिट मैट्रिक्स का डेल्टा निश्चित रूप से जीरो ही आएगा। तो आप ऐसे निकाल करके चेक भी कर सकते हैं। देखिए इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं जीरो, ये इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं जीरो, ये इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं जीरो, और इसमें ये सब्ट्रैक्ट करना है तो ये भी जीरो ही लास्टली आएगा। तो ये हो गया डेल्टा। और यहाँ पर जेड निकालते हैं, जेड निकालने का तरीका होता है कि सी बी इंटू एक्स बी, तो सी बी को एक्स बी से मल्टीप्लाई करना है, जीरो को 12 से मल्टीप्लाई करना है, जीरो इंटू 12, फिर जीरो को 8 से, जीरो इंटू 8, फिर यहाँ जीरो को 8 से, और इसको ऐड कर देना है। तो ये क्या हो गया, जीरो हो रहा है, ये भी जीरो हो रहा है, ये भी जीरो हो रहा है, तो लास्टली इसका सम भी जीरो आ जाएगा। तो अब ये जेड निकल गया। अब देखिए ये ऑप्टिमल है या नहीं, डेल्टा से ही पता चलता है, जो डेल्टा हम लोग निकाले हैं उसी से पता चलता है कि ये जो बेसिक सॉल्यूशन निकला है वो ऑप्टिमल है या नहीं। कैसे, अगर इसमें से कोई भी नेगेटिव आ गया तो इसका मतलब ऑप्टिमल नहीं है। तो आप देख रहे हैं कि ये जो डेल्टा है और ये डेल्टा दोनों नेगेटिव है, तो नेगेटिव है तो ये ऑप्टिमल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन नहीं होगा जो निकाले हैं। तो अब इसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, जो बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकाले हैं उसको इम्प्रूव करना है, ऑप्टिमल में कन्वर्ट करना है। तो कन्वर्ट करने के लिए फिर एक नेक्स्ट टेबल बनाएंगे। तो नेक्स्ट टेबल में हम लोग करते क्या है कि ये जो बेसिक मैट्रिक्स है उसमें से एक कॉलम को आउटगोइंग करते हैं, यानी कि एक कॉलम को हटाते हैं और उसके बदले एक दूसरा कॉलम, ये दोनों में से किसी एक कॉलम को इंटर करते हैं। तो इंटर कौन करेंगे, सबसे पहले इंटर करेंगे जो मोस्ट नेगेटिव होता है। देखिए ये दोनों में से मोस्ट नेगेटिव ये है, तो ये इनकमिंग वेक्टर हो जाएगा, ये इंटरिंग वेक्टर हो जाएगा x1, और कौन आउटगोइंग होगा, इस तीनों कॉलम में से कौन बाहर जाएगा, इसको पता करने के लिए मिनिमम रेशियो निकालते हैं। तो किसका मिनिमम रेशियो निकालते हैं, xb का निकालेंगे इनकमिंग वेक्टर के साथ। तो xb का x1 के साथ निकालेंगे मिनिमम रेशियो, xb डिवाइडेड बाय x1, यही मिनिमम रेशियो निकालेंगे इसी का। तो इसका जब मिनिमम रेशियो निकालते हैं तो 12/4 आ रहा है, 12/4 तो 3 हो गया। आप यहाँ देखिए 8/4 आ रहा है तो 8/4 जो है वो 2 हो गया, यहाँ पर भी 8/4 आ रहा है, यहाँ पर भी आप देख रहे हैं 8/4 2 हो गया। तो ऐसे केस में यहाँ पर देखिए ये यूनिक नहीं आया मिनिमम रेशियो, दो मिनिमम रेशियो जो है वो सेम आ गया। मिनिमम रेशियो जो है ये तो मिनिमम है नहीं, ये दोनों है मिनिमम, तो ये दो मिनिमम रेशियो जो मिनिमम रेशियो निकालते हैं वो टाई हो गया। तो अगर टाई हो जाए तो ऐसा ही प्रॉब्लम जो है वो डिजेनरेसी वाला प्रॉब्लम होगा। जब आप आगे फिर से अगर इस दोनों में से किसी एक को भी की रो मान लेते हैं, मान लीजिए इसी को हम लोग की रो मान लेते हैं, और इससे अगर आगे हम लोग टेबल बनाएंगे तो वो क्या होगा, बेसिक वेरिएबल का वैल्यू जो है वो एक जीरो हो जाएगा। और यदि बेसिक वेरिएबल का वैल्यू जीरो हो जाए तो वो हो जाता है डिजेनरेट बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। तो अब इसको हम लोग को डिजेनरेसी को रिमूव करना पड़ेगा। तो इसको हटाने का तरीका क्या है, अब हम लोग कैसे हम लोग चेक आगे करेंगे काम, इसके बारे में देखिए। तो देखिए आगे करना क्या है कि सिंस मिनिमम रेशियो एक्स बी डिवाइडेड बाई एक्स वन, जब हम लोग एक्स बी डिवाइडेड बाई एक्स वन का निकाल रहे हैं तो मिनिमम रेशियो तो 2 आया है, विच इज सेम फॉर सेकेंड एंड थर्ड रो, सेकेंड रो के लिए भी 2 आ गया, थर्ड रो के लिए भी 2 आ गया। दिस इज एन इंडिकेशन ऑफ डिजेनरेसी, तो ये डिजेनरेसी को इंडिकेट कर रहा है। तो नाउ वी कंप्यूट, अब हम लोग क्या करेंगे इसी में, हम लोग मिनिमम रेशियो में क्या करेंगे, अब हम लोग जो मिनिमम रेशियो एक्स बी बाई एक्स वन का निकालेंगे, अब एक दूसरे चीज़ का मिनिमम रेशियो निकालते हैं कि एलिमेंट्स ऑफ द फर्स्ट कॉलम बीटा वन ऑफ यूनिट मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स जो यहाँ पर बन रहा है, यूनिट मैट्रिक्स का जो फर्स्ट कॉलम है, फर्स्ट कॉलम तो बीटा वन से ही हम लोग डिनोट करते हैं उसको, तो बीटा वन को ऊपर में रखेंगे और करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ की कॉलम, की कॉलम मतलब इनकमिंग कॉलम, इनकमिंग जो वेक्टर है, इनकमिंग वेक्टर को एक्स वन यहाँ पर आया है तो एक्स वन के करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट से डिवाइड करेंगे, और किसके लिए, जिसमें टाई हुआ है सिर्फ उसी के लिए करेंगे। ये तो मिनिमम रेशियो नहीं था तो इसको हम लोग नहीं करेंगे, मिनिमम रेशियो ये था तो, और ये दोनों टाई हो गया, तो जो टाई हुआ है उसी के साथ हम लोग निकालेंगे, किसका निकालेंगे, बीटा वन
डिवाइडेड बाय एक्स वन का, बीटा वन और एक्स वन का, बीटा वन और एक्स वन, बीटा वन मतलब क्या हो गया, बीटा वन यानी एक्स थ्री है, तो एक्स थ्री को डिवाइड करेंगे एक्स वन से, तो एक्स थ्री और एक्स वन का डिवाइड करते हैं तो जीरो डिवाइडेड बाय फोर, ये एक्स थ्री का है जीरो और ये एक्स वन का है फोर, तो यहाँ जीरो डिवाइडेड बाय फोर हो जाएगा यानी कि जीरो हो गया। तो ध्यान दीजिएगा, सिर्फ निकालना उसी का जो टाई कर रहा है उसी का निकालना है, इसका नहीं निकालना है। तो अब यहाँ पर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, तो नेक्स्ट में जीरो डिवाइडेड बाय फोर, एक्स थ्री को एक्स वन से डिवाइड करना है तो जीरो डिवाइडेड बाय फोर करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को, तो जीरो डिवाइडेड बाय फोर मतलब जीरो हो गया। फिर आप देख रहे हैं कि ये फिर टाई हो गया, अगर फिर से टाई हो जाए तो फिर आगे बढ़ेंगे और फिर हम लोग मिनिमम रेशियो निकालेंगे। अब किसका निकालेंगे, पहले क्या किए थे एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट कॉलम, अब हम लोग एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड कॉलम लेंगे, किसका, यूनिट मैट्रिक्स का। तो यूनिट मैट्रिक्स का सेकेंड कॉलम क्या है, ये तो फर्स्ट कॉलम था, सेकेंड कॉलम को हम लोग बीटा टू से डिनोट करते हैं, तो अब हम लोग बीटा टू में फिर एक्स वन से डिवाइड करेंगे, यानी बीटा टू मीन्स हो गया एक्स फोर, एक्स फोर में हम लोग एक्स वन से डिवाइड करते हैं, तो एक्स फोर में एक्स वन से डिवाइड करना है तो इसका तो निकालना नहीं है, ये मिनिमम नहीं था, जो टाई हुआ है उसी का सिर्फ निकालना है। तो x4 में x1 से डिवाइड करते हैं तो 1 डिवाइडेड बाय 4, तो यहाँ आ रहा है 1 डिवाइडेड बाय 4 और ये आ रहा है 0 डिवाइडेड बाय 4, तो आप अब देख रहे हैं कि ये 0 हो गया और ये 1 बाय 4 है, तो मिनिमम रेशियो 0 आ रहा है, तो ये हो जाएगा की रो और ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहा है यहाँ पर, तो ये की एलिमेंट हो जाएगा। और x5 इससे आप आगे बढ़ते हैं तो x5 आ रहा है, तो x5 जो है वो आउटगोइंग वेक्टर होगा और इनकमिंग वेक्टर होगा ये, तो अब हम लोग क्या करेंगे, x5 को आउटगोइंग करेंगे और इसको इनकमिंग करेंगे। तो अब करना क्या है कि ये 001 था इस कॉलम में, तो यही यहाँ पर 001 बनाना है, तो 1 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1 बनाने के लिए हम लोग को 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो अब फिर हम लोग नेक्स्ट टेबल बनाएंगे। अब नेक्स्ट टेबल देखिए कैसे बनाते हैं, नेक्स्ट टेबल में हम लोग ऑब्जेक्ट देखिए, इसको सबसे पहले 1 लाना है कि एलिमेंट यही है, तो 4 से आप डिवाइड कर दीजिए, 4 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 2, सी बी में कुछ नहीं करना है, यहाँ पर करना है, एक्स बी से स्टार्ट होगा तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 1 और यहाँ पर हो जाएगा माइनस 1 बाय 4, यहाँ पर 0 ही रहेगा, ये 0 होगा और ये हो जाएगा 1 बाय 4। अब इसको लाना है 1, तो 1 कैसे लाएंगे, इसी में ऑपरेट करेंगे, इसका काम इसका यूज करके हम लोग इसको 1 लाएंगे, तो 4 से मल्टीप्लाई करके हम लोग यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 8, 8 यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 3 आ जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 आ जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा माइनस 1 आ जाएगा, और माइनस 1 यहाँ पर अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही रह जाएगा और यहाँ सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये 1 ही रह जाएगा, और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, वहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, वहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस 1 हो जाएगा, फिर 4 से मल्टीप्लाई करके इसमें भी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 टू जाए 8, 8 में 8 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 0 आ जाएगा, और यहाँ पर हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये 1 आ जाएगा, यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करते हैं, 4 से मल्टीप्लाई करने पर ये माइनस 1 आएगा, माइनस 1 यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 आ जाएगा, यहाँ पर तो 0 ही रह जाएगा, यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 ही रह जाएगा, यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस 1 हो जाएगा। अब देखिए बेसिक वेरिएबल होगा क्या, तो यहाँ पर बेसिक वेरिएबल कौन सा हटा है, x5 जो है वो हट करके उसके बदले आया x1, तो x5 के बदले x1 कर दीजिए और बाकी वही रहने दीजिए, x3 जो है और x4 ये ज्यों का त्यों रहने दीजिए, और यहाँ पर cj लिख लीजिए कि cj क्या है, इसका 2 था, यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ 1 था, 0, 0, 0, तो x3 का कोएफिशिएंट क्या है, x3 का cj जो है वो 0 है, x4 का भी यहाँ पर आप देख रहे हैं 0 है, और x1 का कितना है 2 है। अब z निकाल लेते हैं, तो z क्या होता है, cb इंटू xb होता है, तो ये cb और xb को मल्टीप्लाई करके ऐड करना है तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और यहाँ पर 4 आ जाएगा। अब हम लोग ये चेक करेंगे कि ये सॉल्यूशन जो है वो ऑप्टिमल है या नहीं, इसको देखेंगे, तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन है या नहीं उसको चेक करने के लिए डेल्टा जे निकालेंगे, तो डेल्टा जे कैसा निकलेगा, अब जरा एक और काम कीजिए कि बीटा वन, बीटा टू, बीटा थ्री क्या है वो जरा चेक कर लीजिए, जो बीटा वन था एक्स थ्री था बीटा वन तो वो तो वही रहेगा, एक्स फोर था बीटा टू वो वही रहेगा, और एक्स
एक्स फाइव था बीटा थ्री, तो अब ये हट गया, इसके बदले कौन सा आया, ये आया, तो ये बीटा थ्री हो जाएगा। आप यूनिट मैट्रिक्स का देखिएगा तो यूनिट मैट्रिक्स का लास्ट कॉलम यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हुआ लगता है, क्योंकि फोर से मल्टीप्लाई करके हम लोग जब यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर रहे थे तो ये जीरो हो जाएगा, तो जीरो जीरो वन हो गया यहाँ पर, तो ये बीटा थ्री हो गया, यूनिट मैट्रिक्स का लास्ट कॉलम यही है। अब हम लोग ये चेक करते हैं कि ये ऑप्टिमल सोल्यूशन है या नहीं। यहाँ भी थोड़ा मिस्टेक हुआ, एक्चुअली ये आया कैसे, यहाँ पर हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करके इसमें सब्ट्रैक्ट किए थे तो 4 टू जो 8 हो गया, और 8 हम लोग यहाँ 12 में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर 12 माइनस 8 हो जाएगा 4, यहाँ भी थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था। तो अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, डेल्टा जे निकालना है, तो आप बीटा वन बीटा टू बीटा थ्री का डायरेक्ट डेल्टा जीरो लिख सकते हैं, बीटा थ्री का जीरो होगा, बीटा वन का जीरो होगा, बीटा टू का जीरो होगा। अब इसका निकाल लीजिए, तो इसका निकालने के लिए हम लोग सी बी को एक्स टू से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जीरो को इससे मल्टीप्लाई करेंगे जीरो, इसको भी जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे जीरो, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो टू इंटू माइनस वन बाई फोर, और सब्ट्रैक्ट क्या करना है, ये वाला सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस वन, वन सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर आप टू से कैंसिल हो जाएगा, आप देख रहे हैं माइनस वन बाई टू माइनस वन, तो ये आ जाएगा माइनस थ्री बाई टू, और यहाँ पर आप निकालिए तो ये मल्टीप्लाई करेंगे जीरो, ये मल्टीप्लाई करेंगे जीरो, और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो वन बाई टू आएगा, वन बाई टू यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये भी वन बाई टू ही रह जाएगा। तो आप फिर से देखिए कि जो डेल्टा जे निकला है वो क्या है, डेल्टा जे एक नेगेटिव आ चुका है, तो एक नेगेटिव आ चुका है मतलब ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं होगा, तो जो मोस्ट नेगेटिव होता है वही इनकमिंग वेक्टर होता है, तो एक ही नेगेटिव है तो यही मोस्ट नेगेटिव हो जाएगा, ये इनकमिंग वेक्टर हो जाएगा x2। अब हम लोग मिनिमम रेशियो निकालेंगे, मिनिमम रेशियो किसका निकालते हैं, xb डिवाइडेड बाई x2 का निकालेंगे, तो xb और x2 का जब रेशियो निकालते हैं तो 4 बाई 4 हो जाएगा, ये 4 बाई 4 मीन्स 1 हो गया, यहाँ पर 0 बाई 2 तो 0 बाई 2 0 हो गया, और यहाँ पर 2 में ये नेगेटिव है तो नेगेटिव से मिनिमम रेशियो नहीं निकालते हैं, x2 का वैल्यू जो है वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव वाला का ही निकालते हैं, जीरो या नेगेटिव का नहीं निकालते, ये नेगेटिव है इसीलिए इसका नहीं निकालेंगे, इसको ब्लैंक छोड़ देंगे। अब इस दोनों रेशियो में से मिनिमम रेशियो हम लोग देख रहे हैं कि ये है, तो ये जो मिनिमम रेशियो है यानी कि की एलिमेंट कौन सा होगा, इनकमिंग वेक्टर यहाँ है और वो वहाँ से अगर आगे बढ़ रहे हैं तो दोनों इंटरसेक्ट कर रहा है ये, तो ये मिनिमम रेशियो हो जाएगा, और यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो x4 पर पहुँचते हैं, तो x4 जो है वो आउटगोइंग वेक्टर होगा। आप देखिए एक और चीज़ का ध्यान दीजिएगा कि जो बेसिक वेरिएबल का वैल्यू आया है वो जीरो, वो x4 का वैल्यू जीरो आया है, ये अभी भी डिजेनरेट है, बेसिक वेरिएबल का वैल्यू जीरो है, डिजेनरेट है अभी ये, लेकिन x4 जो है वो स्लैक वेरिएबल था, तो स्लैक वेरिएबल का वैल्यू जीरो है तो उससे कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, वहाँ पर x1 और x2 जो हम लोग को वेरिएबल दिया हुआ था पहले वो जीरो नहीं होना चाहिए। तो अब आगे बढ़ते हैं, अभी भी हम लोग को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, तो ये आपका जो x4 है स्लैक वेरिएबल है इसका वैल्यू जीरो हो सकता है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो ये आउटगोइंग हो जाएगा और ये इनकमिंग हो जाएगा, तो ये बीटा टू के बदले यहाँ पर हम लोग को ये लाना है जीरो वन जीरो, यहाँ पर लाना है जीरो वन जीरो, यानी कि ये वन लाना है, तो वन लाने के लिए अब हम लोग क्या करेंगे, टू से डिवाइड करेंगे, तो टू से डिवाइड करेंगे तो अब हम लोग फिर नेक्स्ट टेबल बनाते हैं, तो चलिए देखिए नेक्स्ट टेबल क्या होता है। नेक्स्ट टेबल में सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको टू से डिवाइड कर देते हैं, तो टू से डिवाइड करते हैं तो ये जीरो आएगा, यहाँ पर भी जीरो आएगा, यहाँ पर टू से डिवाइड करने पर वन आएगा, यहाँ पर जीरो ही रहेगा, यहाँ पर टू से डिवाइड करेंगे तो वन बाई टू, और यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो माइनस वन बाई टू। अब ये वन बन गया, तो ये जो वन आ चुका है अब यहाँ पर जीरो बनाना है, तो कैसे आएगा, इसी से अप्लाई करना पड़ेगा, इसी से ऑपरेट करना पड़ेगा यहाँ पर, तो फोर से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो फोर से मल्टीप्लाई करके यहाँ सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये फोर ही रह जाएगा, फोर से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करते हैं जीरो, फोर से मल्टीप्लाई करते हैं और यहाँ सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जीरो, फोर से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वन रह जाएगा, फोर से यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे टू और यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस टू हो जाएगा, फोर से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर माइनस टू और यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस वन, माइनस टू, माइनस टू सब्ट्रैक्ट करना है, जरा ध्यान दीजिएगा, माइनस वन प्लस टू हो जाएगा तो वन हो जाएगा ये। अब फिर हम लोग फोर यहाँ लाना है जीरो, तो जीरो लाने के लिए वन बाई फोर से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करना पड़ेगा, तो वन बाई फोर से मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं तो ये वही रहेगा, यहाँ पर भी सेम रह जाएगा, वन बाई फोर से मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं तो जीरो हो जाएगा, यहाँ पर वन बाई फोर से मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं तो यही रह जाएगा, वन बाई फोर से मल्टीप्लाई करेंगे वन बाई एट, यहाँ ऐड करेंगे तो वन बाई एट हो जाएगा,
ये 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1/8 यहाँ पर ऐड करेंगे तो 1/4 -1/8 आ जाएगा, 8 एलसीएम हो जाएगा, यहाँ पर 2 -1 यानी कि ये भी 1/8 ही आएगा। तो ये बन गया न्यू मैट्रिक्स। अब यहाँ पर आगे हम लोग सभी का वैल्यू लिखेंगे। तो सबसे पहले अब देखिए बेसिक वेरिएबल क्या हो गया, कौन सा यहाँ पर आउटगोइंग था, x4 आउटगोइंग था और उसके बदले x2 आया है, तो x4 के बदले x2 लिखेंगे और बाकी तो वही रहेगा, यहाँ पर x1 ही रहेगा और यहाँ पर x3 ही रहेगा। अब यहाँ पर cb इसका कोएफिशिएंट लिख जाएंगे तो x3 का 0 है, x2 का आप देख रहे हैं 1 है और x1 का है कोएफिशिएंट यहाँ पर 2 है, x2 का यहाँ पर आप देख रहे हैं 1 है। अब हम लोग z निकालते हैं cb × xb, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0, ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0, ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा। तो देखिए यहाँ पर भी 4 आया था, यहाँ पर भी 4 आया था। एक्चुअली जब बेसिक वेरिएबल जो है वो बेसिक वेरिएबल का वैल्यू 0 है, डिजेनरेट है, तो यहाँ पर जेड का वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है। अभी एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा, बेसिक वेरिएबल का वैल्यू 0 अगर है तो जेड जो है वो सेम आ रहा है, जेड चेंज नहीं हो रहा है। अब हम लोग ये भी देखेंगे कि ये जो बेसिक वेरिएबल का वैल्यू आया, बेसिक फिजिबल सोल्यूशन आया, ये ऑप्टिमल सोल्यूशन है या नहीं, तो डेल्टा जे निकालते हैं। एक और काम कीजिए, β1 β2 β3 क्या होगा वो देख लीजिए। तो आउटगोइंग जो है वो β2 हटा है, β2 के बदले कौन सा आया है, x2 आया है, तो ये β2 हो जाएगा। ये यूनिट मैट्रिक्स का सेकेंड कॉलम है 0 1 0, और β3 तो ज्यों का त्यों रहेगा और β1 भी ज्यों का त्यों रहेगा, β1 x3 था तो ये β1 रहेगा। तो ये तीनों का तो डेल्टा 0 हो जाएगा, β1 β2 β3 का। अब इसका निकालते हैं डेल्टा, तो कैसे निकलता है, cb को x4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2, देखिए 1/2 आ रहा है, और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 1/4 आ जाएगा, और इसमें सब्ट्रैक्ट क्या करना है, इसके ऊपर वाला यानी कि 0 सब्ट्रैक्ट करना है। तो आप देखिए इसको ऐड करेंगे 4 एलसीएम हो जाएगा, तो 2 + 1 3/4 आ जाएगा, यहाँ पर 3/4 हो गया, और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो -1/2 हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो +1/4 होगा, और सब्ट्रैक्ट करना है 0, तो 4 एलसीएम ले लेते हैं तो -2 + 1 यानी कि ये -1/4 आ रहा है। अभी भी ये नेगेटिव है, तो जब ये नेगेटिव है तो इसका मतलब ये सॉल्यूशन भी ऑप्टिमल नहीं है, इसको भी इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। तो कैसे इम्प्रूव करते हैं, नेक्स्ट देखिए आगे। तब अब हम लोग निकालेंगे कि मोस्ट नेगेटिव जो है वो ये है, तो मोस्ट नेगेटिव ये है तो ये इनकमिंग वेक्टर हो जाएगा, यानी x5 जो है इनकमिंग वेक्टर है। मिनिमम रेशियो निकालेंगे xb/x5 का, तो मिनिमम रेशियो निकालिए 4/1, ये 4/1 आ रहा है, ये तो नेगेटिव है तो इसका हम लोग निकालेंगे नहीं। यहाँ पर आएगा 2/1/8 आ रहा है, आप देख रहे हैं कि ये है xb में 2 और यहाँ पर है 1/8, तो 2/1/8 यानी कि ये 16 हो जाएगा, और यहाँ पर ये 4 आ रहा है, तो मिनिमम रेशियो ये हो गया, ये मिनिमम रेशियो और ये इनकमिंग वेक्टर है, तो ये की एलिमेंट ये हो गया। अब यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो x3 पर पहुँच रहे हैं, तो x3 जो है वो आउटगोइंग वेक्टर हो जाएगा। तो अब यहाँ पर ये 1 लाना रहता है, तो यहाँ तो 1 आ गया, अब इसको 0 लाना है, तो फर्स्ट कॉलम में फर्स्ट रो में कुछ नहीं करेंगे, 4 0 0 1 -2 1 यही रहेगा। अब इसको 0 लाने के लिए 1/2 से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे, तो 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा, तो 2 यहाँ पर ऐड करने पर 2 ही आएगा, यहाँ पर तो वही रह जाएगा, 1/2 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करेंगे तो 1 रह जाएगा, 1/2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ ऐड करेंगे तो ये 1/2 हो जाएगा, यहाँ 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 होगा, और -1 इसमें अगर ऐड करते हैं तो ये -1/2 हो जाएगा, और 1/2 से मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं तो 0 हो जाएगा, और यहाँ 0 लाने के लिए 1/8 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1/8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 1/2, और 2 में सब्ट्रैक्ट करना है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3/2 आ जाएगा, यहाँ पर तो वही रह जाएगा, यहाँ पर भी सेम रह जाएगा, और यहाँ पर 1/8 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -1/8 हो जाएगा, और यहाँ पर 1/8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1/4, और ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1/8 + 1/4 हो जाएगा। आप एलसीएम ले लीजिए, 8 + यहाँ पर आ जाएगा 3/8, तो ये 3/8 हो गया, और यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 0 हो गया। अब यहाँ पर बेसिक वेरिएबल क्या हो गया, बेसिक वेरिएबल जो है वो आप देख रहे हैं कि x5 जो है आउटगोइंग है, और x5 इनकमिंग है, और x3 आउटगोइंग है, तो x3 के बदले कौन सा जाएगा, x3 के बदले x5 जाएगा,
और यहाँ पर एक्स टू रहने दीजिए और ये एक्स वन ज्यों का त्यों रहने दीजिए। अब बेसिक वेरिएबल का कोएफिशिएंट का वैल्यू कितना है, एक्स फाइव का जीरो है आप देख रहे हैं यहाँ पर, और एक्स टू का कितना है वन है, एक्स वन का कितना है, एक्स वन का टू है, और जेड निकाल लेते हैं तो ये तो जीरो हो गया, यहाँ पर टू प्लस थ्री, टू प्लस थ्री ये आ जाएगा फाइव, टू को मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ भी ये मल्टीप्लाई करेंगे, टू टू कैंसिल हो जाएगा, थ्री प्लस टू फाइव हो गया। अब हम लोग डेल्टा जे निकालेंगे तो बीटा वन बीटा टू बीटा थ्री क्या है, यहाँ पर हटा कौन सा है, बीटा वन हटा है, ये वाला हटा एक्स थ्री का, और ये हुआ है बीटा वन, यानी कि ये बीटा वन हो जाएगा। देखिए फर्स्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम वन जीरो जीरो, और बीटा टू तो ज्यों का त्यों रहेगा, बीटा थ्री भी ज्यों का त्यों रहेगा। अब हम लोग यहाँ पर बीटा वन का डेल्टा जीरो, बीटा टू बीटा थ्री का भी डेल्टा जो है वो जीरो है, ये तो जीरो रहेगा, इसका निकालते हैं तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किए जीरो, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे वन बाय टू, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे माइनस वन बाय फोर, और सब्ट्रैक्ट करना है जीरो, तो ये आप एलसीएम लेकर के सब्ट्रैक्ट कर लीजिए तो टू माइनस वन यानी कि वन बाय फोर आ रहा है। आप यहाँ पर देखिएगा तो ये जीरो हो जाएगा, और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस वन बाय टू, और यहाँ मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो थ्री बाई फोर, और इसमें जीरो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जैसे निकालते हैं उसी तरीके से आप निकाल करके देख सकते हैं डेल्टा, तो यहाँ पर माइनस टू प्लस थ्री यानी कि ये वन बाय फोर हो गया। तो आप देख रहे हैं कि सभी जो डेल्टा है वो पॉजिटिव हो गया, सभी डेल्टा पॉजिटिव हो गया, तो इसीलिए एक्स वन का वैल्यू टू हो जाए सॉरी एक्स वन का वैल्यू हो जाएगा थ्री बाई टू, और x2 का वैल्यू हो गया 2, और x5 का वैल्यू 4 है, लेकिन उसको लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि x5 जो है वो स्लैक वेरिएबल है, हम लोग को जो क्वेश्चन में दिया हुआ था x1 और x2 ही था, तो यही दो वेरिएबल लिखना है। और z का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, मैक्सिमम z निकालना था, z का मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा 5, तो यही इसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन हो गया। तो फ्रेंड्स ये डिजेनरेसी का प्रॉब्लम था कि डिजेनरेसी अगर रहे जहाँ पर टाई हो जाता है मिनिमम रेशियो, तो वैसे प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं, आपके बुक में अगर कोई और भी प्रॉब्लम है तो उसको आप सॉल्व करके देख सकते हैं। और वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट करके बताएं, या आप क्या इम्प्रूव करना चाहते हैं इस वीडियो में, और क्या इम्प्रूवमेंट होना चाहिए था वो भी आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें। और वीडियो पसंद आ रहा है तो फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, लाइक करें, और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो का अपडेट मिलते रहेगा। तो इस वीडियो में बस यहीं तक, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।